नागौर शहर में लोहे से संबंधित कार्य बड़े स्तर पर किया जाता है। यहाँ पर लोहे से संबंधित अनेकों प्रकार के औजार बनाए जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नागौर में सोने को तराशने वाले भी औजार बनाए जाते हैं। यदि ये औजार ना हो तो सोने को एक रूप नहीं दिया जा सकता है। इन औजारों की कीमत की बात करें तो ये 15 रुपये से शुरुआत होती है, जबकि ये लाखों के भाव रखने वाले धातु यानी कि सोना को तराशते हैं। नागौर में सोने के औजार बनाने वाले जाफिर मुल्तानी ने बताया, यहाँ पर संडासी, कतिया, कट्टर, बैंड वाला कट्टर, लंगड़ा बैंड कट्टर, सेवानी, मिनीचर, जंत्री, जैमूर, हथौड़ी तथा विभिन्न प्रकार के यहाँ पर औजार बनाए जाते हैं। इन औजारों के माध्यम से सोने को अलग अलग रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे भी औजार हैं जो सोने को पकड़ने के लिए काम में आते हैं, जिससे सोने को पिघलाकर एक अच्छा रूप दे सकें। सोने के औजार बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे लोहे को पिघलाकर उसे पकाया जाता है, फिर उसे आवश्यकता अनुसार काट दिया जाता है। सोनार औजार करते हैं, कटिंग करने के लिए बनाते हैं, जिसमें सोने की तार को रोल किया जाता है। रोल करने के बाद उसको कटिंग किया जाता है, और कटिंग करने के बाद उसको सोनार काम में लेता है, चेन बनाने के लिए, कड़ी बनाने के लिए, पाजे बनाने के लिए, अलग अलग प्रकार के आइटम बनाने के लिए कटर को काम में लिया जाता है। आप किस प्रकार के औजार बनाते हो? मैं छोटे फिनिश बिल्कुल बारीक से औजार बनाता हूँ जो सोने में काम आते हैं। आपका जैसे ये कटर है छोटा सा, ये सोने में काम आता है सिर्फ। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम असगर हुसैन। सर बताइए, जो सोनार के सोना बनाने के लिए जो औजार प्रयुक्त किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे ये पीतल का है, कांसे का भी आता है, ये सुनारों काम आते हैं। सुनार बनाते हैं, बोल बनाते हैं, घुंगरू बनाते हैं, इसमें काम आता है। ये तो डले, मतलब ये रब काम हुआ, अभी डली हुआ है, तैयार होने के बाद, ये कंप्लीट तैयार होने के बाद ऐसा हो जाएगा। सर नहीं, सोना को तैयार करने के लिए कौन कौन से औजार काम में लिए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। यार हमारे पास ये और कतिया आता है, वो दूसरे बनाते हैं, अलग अलग कारीगर हैं। आपका नाम? मेरा नाम जाफिर है।